अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर शो। आज का शो है थोड़ा स्पेशल क्योंकि आज हमारे पास आए हैं यासिर भाई जो कि हमारे दोस्त हैं और साथ साथ एक काफ़ी अच्छे उर्दू पोइट है। और यासिर भाई के बारे में कुछ कह दूँ तो कम है क्योंकि बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही अच्छे शायर और हमारे मतलब PhD स्कॉलर है, अभी रिसर्च कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लिखते हैं। और मोहब्बत के बारे में आज हम बात करेंगे, मोहब्बत के सारे अफसाने इनके सुनेंगे, जो भी यासिर भाई मोहब्बत के बारे में समझते हैं आज यासिर भाई हमारे साथ वो डिस्कस करेंगे और साथ साथ मैं भी कुछ बातें करूँगा। तो यासिर भाई, मेरा पहला सवाल आपसे कि ये मोहब्बत क्या है भाई? मोहब्बत की बात करते हैं, चले। तो मोहब्बत वो रहमत है जो अहले ज़र्फ़ को हासिल है, ये वो बाब है जो हर किताब में नहीं होता। अल्लाह की तरफ से कुछ लोग चुने जाते हैं जिन पर यह रहमत नाजिल होती है कि वो मोहब्बत के मयार तक आ सके। इसीलिए हम कहते हैं कि मोहब्बत कलंदरों का रक्स है मियाँ, मोहब्बत कलंदरों का रक्स है मियाँ, ये लाडलों के बस की बात नहीं। आप याद रखें कि आप एक खूबसूरत शख्स से कभी मोहब्बत नहीं करते, ये जुमला ही गलत है। मोहब्बत जब आप करने लगते हैं तो वो शख्स आपको खूबसूरत, सबसे हसीन लगने लगता है। मोहब्बत एक इंसानी फितरत है जो हमें अलग करती है हर उस शय से जो बेजान पड़ी है इस दुनिया में। लोग ये समझ नहीं पाते कि उन्हें मोहब्बत कब होती है, लाइक लिटरली उन्हें मोहब्बत का पता ही नहीं, ये मोहब्बत है भी या नहीं। तो कैसे पता चलती है कि दैट यू आर इन लव? मोहब्बत जब होती है ना तो आप नहीं रहते, वो हो जाते हैं। आप खुद को और उसे हम गिनने लगते हैं, आप उसके रास्तों से रास्ता पूछने लगते हैं। मोहब्बत इंसान को हौसला देती है, उसे बेचैन नहीं करती। आप अगर बेचैन हो रहे हो तो आप खुदा रा देखें, मुझे तो नहीं लगता आप मोहब्बत में। मैं अक्सर ये बात कहता रहता हूँ कि जैसे आप मोहब्बत करते हैं ना, उसे ये बात ज़रूर कहे कि मैं तेरा कमाया हुआ पैसा हूँ, तू जिधर चाहे मुझे खर्च कर। मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी, गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये उनकी याद में होगी। वाह क्या बात भाई, ये नज़म है पता नहीं किसकी, मगर बहुत ज़बरदस्त नज़म है। अब आती है बात, लोगों को हमेशा मोहब्बत के बदले मोहब्बत नहीं मिलती है, लोगों को मोहब्बत के बदले हमेशा मोहब्बत नहीं मिलती, उन्हें मोहब्बत के बदले दगा मिलती है, सज़ा मिलती है। और लोग कहते हैं कि जो एक तरफ़ा मोहब्बत होती है बड़ी खूबसूरत होती है। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। मैं जब मोहब्बत की बात करता हूँ तो मैं दो तरफ़ा मोहब्बत की वकालत करता हूँ। मोहब्बत तब मोहब्बत कहलाती है जब एक ही तौर के जज्बात दोनों तरफ से पैदा हो। एक तरफ़ा मोहब्बत को मैं मोहब्बत नहीं मानता, ये एक ऐसी लाहासिल ख्वाहिश है जिसको एक शख्स ज़िद बना के ऐसा सफ़र तय करने लगता है जिसकी कोई मंजिल नहीं होती। तफजुल, मोहब्बत एक चुनाव का रिश्ता है जिसमें आप ऐसे शख्स को चुनते हैं जो आपके दिल को भा जाए, लेकिन ये ज़रूरी है आपके साथ साथ उस शख्स के दिल में भी यही जज्बात, यही फ़िक्रा, यही मोहब्बत पैदा हो। वरना आप ये समझ लीजिए आपने एक गलत शख्स को चुन लिया जो कभी आपकी खातिर बना ही नहीं था। मैं अक्सर कहता हूँ कि ज़िद पे नहीं, मोहब्बत पे अड़ जाए। ज़िद पे अड़ेंगे तो मजनू का खिताब आपके गले बांध दिया जाएगा। बहुत 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 खतरनाक बात कही आपने। ये तो आप बोल रहे कि एक तरफा मोहब्बत है ही नहीं फिर, ये तो एक जिद है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, जिसके पीछे आप पागल हुए जा रहे हैं। आपने गलत शख्स को चुन लिया और उसे जिद बना रहे हैं, उसके गले पड़ रहे हैं। देखे, मोहब्बत मजनू बनने का नाम नहीं है, मोहब्बत बर्बाद होने का नाम नहीं है। मोहब्बत हौसला देती है, बेचैन नहीं करती। अगर आप बेचैन हो रहे हो तो आपने मोहब्बत में नहीं है, आप किसी जिद को पकड़े हुए हैं। तो जिद को छोड़ के मोहब्बत पे अड़ जाए। मोहब्बत क्या है उस इंसान से पूछो जिसने दिल टूटने के बाद भी उसका इंतज़ार किया। क्या बात, समझ रहे हो बात? अगर किसी इंसान का दिल टूटता है और वो फिर भी उस इंसान की आस में इंतज़ार कर रहा होता है तो वो एक तरफा मोहब्बत उसे कहे, क्योंकि अब किसी ने उसका दिल तोड़ा तो जाहिर सी बात है वो शायद उसे मोहब्बत नहीं करती होगी जी। तो जब किसी ने उसका दिल तोड़ा है और वो फिर भी इंतज़ार कर रहा है तो वो मोहब्बत नहीं है क्या? देखिए, बात दरअसल इतनी सी है। मोहब्बत एक चुनाव का रिश्ता है जिसमें आप शख्स को चुनते हो, किसी शख्स को चुनते हो। तो आपसे चुनने में गलतियां भी हो सकती है, गलतियों को सुधारा भी जा सकता है। आप मोहब्बत को जिद कब तक बनाएंगे? देखिए, मोहब्बत का मतलब मजनू होना नहीं है, पागलपन नहीं है। मोहब्बत इंसान को हौसला देती है, ताकत देती है। देखिए, आप अभी बात कर रहे थे बेवफाई की। बेवफाई पे बात करने से पहले मैं एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहूँगा। जिस मोहब्बत से आपने किसी का हाथ थामा था, जब छोड़ने की बारी आए तो उसी मोहब्बत से उसको रवाना करे, मतलब उसे जलील ना करे, लोगों के बीच बातें ना उछाले। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सबसे डरपोक, सबसे कमज़र्फ इंसान कहलाते हैं। देखिए, दरमियाँ मोहब्बत न रही तो क्या, दरमियाँ मोहब्बत न रही तो क्या, तेरी इज्जत, तेरी आबरू, तेरी चादर, सब सर आंखों पर। माफ़ कर दे बेवफाई, क्योंकि जिस शख्स से मोहब्बत हो उस शख्स से अदावत नहीं होती। यह कि और क्या हो मुकर्रर सज़ा उस हरजाई की, और क्या हो मुकर्रर सज़ा उस हरजाई की, वो शख्स है बेवफा, ये बात है रुस्वाई की। मोहब्बत से बेवफाई करने वाला शख्स अपने आप में ही रुस्वा हो जाता है। आपको उसे रुस्वा करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये शायर है एक इसी बात पे, टूट जाए ख्वाब तो कोई आस क्या रखना। आहा, टूट जाए ख्वाब तो कोई आस क्या रखना, पलकों के भीगने का हिसाब क्या रखना। क्या बात है। बस इसकी इसीलिए मुस्कुरा देते हैं हम, बस इसीलिए मुस्कुरा देते हैं हम, अपने दुख से किसी को उदास क्या रखना। क्या बात है। मैं इस बात पे आपको कुछ एक शेर सुना देता हूँ कि मसले है बहुत दरमियाँ खुदाया, जिस्म है कैद रूह परेशान खुदाया, जवानी में कमर झुकने लगी है, मैं चंद दिन का लगता हूँ मेहमान खुदाया। बिकते हैं लोग मोहब्बत में अक्सर, ये इश्क तो लगता है दुकान खुदाया, मेरी जान ही मेरी जान ले रही है, मेरा मौत से क्या होगा नुकसान खुदाया, खिलौना जान कर वो तोड़ गया है, मैं उस शख्स को लगता हूँ बेजान खुदाया। देखे, ये बात याद रखे तफजुल, कोई शख्स आपको छोड़ के जाना चाहे उसे बाइज्जत जाने दे, क्योंकि बागी लोग अच्छे माशरे में नहीं रहते। और कोई शख्स आपसे कतरा भर की वफा करे, आप पर फर्ज बनता है कि आप वफा के समंदर बहा दे। देखिए, फिलॉसफी ऑफ लव क्या है? मोहब्बत की एक ही फिलॉसफी है, वफा के बदले वफा। बस कोई शख्स आपसे वफा ना कर सके तो उसे जाने दे, बिल्कुल जाने दे। हमारे इंडिया के एक बहुत बड़े शायर है विक्रम गौर, वो फरमाते हैं कि वगरना तो बेवफाई किसे कब माफ़ है, तू मेरी जान है सो तुझको सब माफ़ है, क्यों पूछती हो कि मैंने तुमको माफ़ कर दिया, खामोश हो गया हूँ मैं मतलब माफ़ है। देखिए, आपने जिस शख्स से मोहब्बत करी है आप उस शख्स से अदावत नहीं कर सकते। क्या बात की भाई, मैं तो इसी बात में मेरे को एक शायर याद आया। जी 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 ठीक है। कोई रिश्ता नया या पुराना नहीं होता, कोई रिश्ता नया या पुराना नहीं होता, जिंदगी का हर पल सुहाना नहीं होता। वाह। जुदा होना तो किस्मत की बात है, जुदा होना तो किस्मत की बात है, पर जुदाई का मतलब बुलाना नहीं होता। क्या बात। देखिए, मेरा एक दोस्त है जो मुझसे अक्सर पूछता रहता था, यार मुझे लगता है लड़कियां ज़्यादा बेवफा होती है, मुझे लगता है लड़कियां ज़्यादा बेवफा होती है। तो ये भी एक बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है जो पब्लिक के ना माइंडसेट में सर्कल करता रहता होता है। सो देखिए, बेवफाई ना तो मर्द करता है ना ही औरत। ये तो शैतानी फितरत है जिसका इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। आप किसी से मोहब्बत का वादा करने से पहले यही वादा अपने आप से किया करें, क्योंकि लोगों से झूठ बोलना तो बड़ा आसान है, अपने आप से नहीं। देखिए, आप हकीकत को लोगों से छुपा सकते हैं, अपने आप से कैसे छुपाओगे? ये आपने बात सही कही, और इसी बात में एक और क्या बात है। चले, बिल्कुल बिल्कुल। इस दौर के इंसानों में वफा ढूंढ रहे हो, इस दौर के इंसानों में वफा ढूंढ रहे हो, बड़े नादान हो, जहर के शीशे में दवा ढूंढ रहे हो। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आप समझ रहे हो? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मैं तफजुल ये बात याद रखे, देखे लोग अक्सर बेवफाई का शिकार क्यों होते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, बहुत बहुत फाइन चीज़ें हैं ये, लेकिन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। देखिए, जो मर्द अभी तक अपनी बहन को दोस्त ना बना सका, एक लड़की उससे वफा की उम्मीद कर रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाह, क्या बात है, क्या बात। समझिए इस बात को, क्या बात है। देखिए, मोहब्बत में अक्सर लोग क्या देखते हैं कि एक शख्स मुझे मोहब्बत में क्या दे सकता है? गाड़ी, बंगला, पैसा। गलत है, बहुत लोग दे सकते हैं। आप ये देखा करें कि ये शख्स मेरे लिए कुर्बान क्या कर सकता है। मोहब्बत में ये देखना होता है, मेरे लिए ये शख्स छोड़ क्या सकता है। मसलन दो लोग हैं, एक शख्स कहता है मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, आपके लिए गाड़ी, बंगला, पैसा सब दे सकता हूँ आपको। दूसरा शख्स कहता है मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुर्बान कर दूंगा आपके खातिर। किस शख्स से मोहब्बत करेंगे आप? किस शख्स को चुनेंगे आप? यहाँ वो फर्क करना है आपको, यहाँ वो फर्क करना है आपको। जो औरत अपनी बाप की इज्जत को लांग के आगे बढ़ जाए, एक मर्द उससे वफा की उम्मीद करता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाह वाह वाह। इसी बात में फिर एक और शर्त देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो अर्ज किया है, मोहब्बत सिखा कर जुदा हो गया, मोहब्बत सिखा कर जुदा हो गया, ना सोचा ना समझा खफा हो गया। दुनिया में किसको हम अपना कहे, जो अपना था वही बेवफा हो गया। क्या बात है। मैं आपको कुछ सुनाता हूँ तफजुल। एक खलूस भरी एक अदा के साथ, जान ले गया वो भी नफा के साथ। अब तलक बेखबर ही रहे लोग मुझसे, मैं खुदा के साथ। वो मुझसे बस दुआ चाहता था, मैं चाहता था जिसे हर दुआ के साथ। कमसिनी में हुई एक मोहब्बत, एक मोहब्बत एक बेवफा के साथ। समझे तफजुल, जब आप मोहब्बत करते हैं ना, तो एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है किसी इंसान में, एक रिश्ते में। देखिए, कोई शख्स आपके दिल और दिमाग के दरमियान अटक जाए तो वो मोहब्बत नहीं, एक वहम है, क्योंकि दिल से चाहे जाने वाले लोग दिमाग से सोचे नहीं जाते। समझे बात को। आप किसी रिश्ते में हैं, आप एक रिश्ते में दिल की जगह दिमाग लगा रहे हैं, तो ये एक रिश्ता नहीं बल्कि दो तरफा चाल खेली जा रही है, जिसमें दो लोग एक दूसरे को आजमा रहे होते हैं। तो जब आपको ऐसा महसूस होने लगे एक रिश्ते में, तो मेरी सलाह है कि आप छोड़ दें, जिद छोड़ दें। बिल्कुल जिद छोड़ दें, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ एक रिश्ते में दिल लगना चाहिए, दिमाग नहीं। कब्र पर वो रोने आया है। आहा, कब्र पर वो रोने आया है, हमसे प्यार है ये कहने। कब्र पर वो रोने आया है, हमसे प्यार है ये कहने। जब जिंदा थे तो रुलाया बहुत था, जब जिंदा थे तो रुलाया बहुत था, अब आराम से सोए है तो जगाने आए। क्या बात है। ये सुने कि काश तुम मौत होते एक दिन आते ज़रूर, काश तुम मौत होते एक दिन आते ज़रूर, अफसोस कि तुम जिंदगी हो छोड़ के जाओगे ज़रूर। भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया। नरक इश्क में इम्तिहान में अनपढ़ हूँ, नरक इश्क में इम्तिहान में अनपढ़ हूँ, तेरी याद के सिवा मुझे कुछ नहीं आता। बहुत बढ़िया भाई, क्या बात। देखिए तफजुल, अक्सर क्या होता है ना कि जब इंसान का दिल टूटता है तो लोग मशवरे देने लगते हैं। आपसे ये लोग कहेंगे कि आगे बढ़ने के लिए आपको किसी शख्स को बुलाना ज़रूरी है, बट मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। देखें तफजुल, वक्त की थप्पड़ वक्त की थपकी दोनों याद रखे, किसने आपको हंसाया किसने कितना रुलाया दोनों याद रखे। देखे, when you will remember all the past experiences, you need to channelize that energy to be a good human being, to be a warrior. You know, you need to increase your living standards. You need to channelize all the energy. मेरे एक senior है डॉक्टर अवैस, वक्त ने उनके गालों पे इतने थप्पड़ मारे वो मैं जानता हूँ। उन्होंने वो सारे एफर्ट चैनलाइज किए, उस पेन को चैनलाइज किया। अभी रिसेंटली वो शख्स डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से यंग साइंटिस्ट का अवार्ड पा गया। इंडिया के टॉप सॉइल साइंटिस्ट्स में उसका नाम आता है। वर्ल्ड के रेनोड साइंटिस्ट उसके साथ काम करना चाहते हैं। इट्स ऑल बिकॉज यू नो ही व्हाट ही डिड, ही चैनलाइज्ड ऑल द इमोशंस, all the pain he got from this particular world. So बात इतनी सी है कि लाइक अपने इमोशंस को चैनलाइज करना सीखे। जिद पे अड़ेंगे, फिर से कह रहा हूँ, जिद पे अड़ेंगे तो मजनू का खिताब आपके सर बांध दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसी बात पे जो आपने कहा ना कि भाई चैनलाइज द पेन, तो हकीकत है एट द एंड सब तो छोड़ेंगे भाई, कोई अपना नहीं है, अकेले आए अकेले जाना है। तो इसी बात पे एक और शार फिर कुछ हार गई तकदीर, क्या बात, कुछ हार गई तकदीर, कुछ टूट गए सपने, क्या बात, कुछ गैरों ने किया बर्बाद, कुछ भूल गए अपने, क्या बात है, क्या बात है। देखे तफजुल, एक शख्स है जिसको मैं बजलदार के नाम से जानता हूँ। वो मुझसे अक्सर ये कहता रहता था कि अगर आपकी उम्मीद किसी ने तोड़ दी, आपका दिल किसी ने तोड़ा, तो अब आप अगर एक नया रिश्ता बनाने जा रहे हैं तो ये बात हमेशा याद रखें कि किसी बेवफा से अगर आप बेइंतहा मोहब्बत कर सकते हैं तो इस वफादार के लिए आपको आखिरी हद तक जाना पड़ेगा। मतलब एक नया रिश्ता बनाने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि जो आपके साथ मोहब्बत में हुई आप किसी और के साथ ना करें। इस बात पे ये एक शेर है कि उसने पूछा बदल गए कैसे तुम, उसने पूछा बदल गए कैसे तुम, मैंने कहा ठीक वैसे जैसे तुम। हो भाई साहब क्या बात है भाई। देखिए मेरे पास बर्बाद होना नहीं है, मेरे पास मोहब्बत करना है। मैं मोहब्बत में पता किस हद तक गिर सकता हूँ कि मैं मोहब्बत में किसी के पैर पड़ सकता हूँ, लेकिन मैं किसी बेवफा के आगे सर नहीं झुका सकता। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझसे मोहब्बत करने का दावा करते हैं, मैं आपके पैर धोने के लिए तैयार हूँ, मैं आपकी जूतियाँ सीधी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप बेवफा अगर है तो मैं मुड़ कर नहीं देखूँगा, पलट कर नहीं देखूंगा, मैं आपकी आंखों पे कभी रहमत नहीं बरसने दूंगा अपनी आंखों की तरफ से। देखे मोहब्बत का एक असूल है, वफा के बदले वफा। मैं आखिरी सांस तक वफा कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी बेवफा पे जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो यूथ को समझनी है। मोहब्बतें करें लेकिन जिद ना रखे अपने दिल में। So see, when you see a person losing in love, आप उसको समझाए कि आप मोहब्बत में नहीं हैं मियाँ, आप एक जिद पाले हुए। तफजल देखे, लोग अक्सर बात करते हैं पहली मोहब्बत की, आखिरी मोहब्बत की, इनकम्प्लीट लव की। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस तफजल? क्या लगता है आपको इस बारे में? क्या इनकम्प्लीट लव के बारे में? हाँ, अधूरी कहानी। जी जी, क्या लगता है आपको इस बारे में? वो जो अधूरी कहानियों का मज़ा होता है ना, वो मुकम्मल कहानियों में नहीं है। जो वो रह जाती है ना, कुछ कहानियाँ जो कभी ख़त्म नहीं, कहते हैं कि कुछ कहानियाँ शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है, या कहते हैं कि सम स्टोरीज नेवर स्टार्ट टू एंड, ओके, एंड सम बॉन्ड्स आर नेवर मेड टू बी ब्रोकन, एंड दोज स्टोरीज एंड दोज बॉन्ड्स दे लिव इन योर हार्ट फॉर एवर, दे वोंट लीव योर हार्ट एवर, and there are many such stories in my heart. देखे तफजुल, मोहब्बत अपने आप में एक मुकम्मल फ़ैल है। किसी का ना होना इसको अधूरा नहीं करता। मोहब्बत जिस दम हो जाए यह उसी दम मुकम्मल हो जाती है। मतलब when you love and you truly love, तो उसी दम आपकी मोहब्बत मुकम्मल हो जाती है। समझिए इस बात को Tafazul, if someone leaves you, they won't be able to destroy love within you. They will give you some bad experience. It's your responsibility to hand over this love to someone who deserves it better. It is the person who changes from one to second to third. Love stays constant. Love stays with you. Love was still within you when you were with no one. So you need to understand this idea. People won't be able to destroy love within you. मोहब्बत पहली, दूसरी, तीसरी नहीं होती। मोहब्बत वही होती है जब आप किसी के साथ नहीं थे। ये जुमला गलत है कि पहली मोहब्बत, दूसरी मोहब्बत। इंसान पहला या दूसरा हो सकता है। मोहब्बत पहली, दूसरी, तीसरी नहीं होती। एक शख्स है, मैं उन्हें बहुत मानता हूँ, उन्हें अपना टीचर मानता हूँ। वो फरमाते हैं कि बेवफाओं को पलट कर जो देखे, आग उस शख्स की आंखों को लगा दी जाए। देखे, जब आप मोहब्बत करें, खुद से ये अहद करें कि ये आखिरी शख्स हो मेरे लिए। जब आपको कोई छोड़ के चला जाए, तब अगर आप उसकी तरफ दोबारा देखें तो आप एक कमज़र्फ इंसान है। यू नॉट अ हाई वैल्यू मैन। तफजुल, हाउ डू यू सी द कॉन्सेप्ट ऑफ हाई वैल्यू मैन एंड हाई वैल्यू वुमन? भाई, हाई वैल्यू बैड मेरे लिए भाई समवन, यू नो, इफ नहीं, ऑनेस्टली अगर आपने जो बात की बहुत अच्छी बात की, हाई वैल्यू मैन वुमेन होते, हाई वैल्यू मेरे लिए मतलब क्या भाई, यू नीड टू बी समवन हु हैज़ इंटीग्रिटी, हु हैज़ ऑनेस्टी, हु इज़ फर्म इन हिज डिसीजंस, हु डजंट लुक बैक, कीप्स ऑन गोइंग, एंड दिल दुखाते नहीं है लोगों का, बेईमानी नहीं करते। सच में मतलब एक अच्छा इंसान तो वही है एट दी एंड, जो किसी का दिल ना दुखाए, जो अपने काम से काम रखे। मुझे इतना ये सवाल मेरे लिए है ही नहीं। ये सवाल मैं आपसे करूँगा कि कौन है एक उम्दा इंसान और उम्दा शख्स कौन है भाई? देखे, पेशेंस, कॉम्प्रोमाइज एंड लॉयल्टी, दिस इज द क्वालिटी ट्रायंगल अ पर्सन शुड पोजेस टू क्वालिफाई फॉर अ रिलेशनशिप। नाउ टॉकिंग अबाउट हाई वैल्यू मैन, majority of the men in this world are invisible. When a girl approaches a man, he goes desperate. If a man learns the art of saying no to a girl, then I call him a high value man. It's very rare, you know. Second thing, the most important thing, a girl usually cheats when she finds a man who is better than the man she is with. If your girl rejects all the better options for you, Then congratulations, Tafazul. You are dating a high-value woman. Thank you, bro. Oh, my. Both सही बात. I agree with you. Completely agree with you. And there are very few of them now in this world. And ऐसा नहीं है कि हर जगह कोई वैसा है. बहुत कम लोग हैं. बात आती है अब कुछ शार हो के अब कुछ शेर व शायरी कर रहे हैं. टाइम भी हो रहा है, ख़त्म भी करना है पॉडकास्ट, मगर हम चाहे कुछ ऐसे ऐसे शार बोले लोगों को जो दिल को चीर के जाए, हमारे लिसनर्स को. पहले मैं अर्ज किया है. जी बिल्कुल. अच्छा, बिन बताए उसने क्यों ये दूरी कर दी. आहा. बिन बताए उसने क्यों ये दूरी कर दी, बिछड़ के उसने मोहब्बत ही वो दूरी कर दी. आहा. मेरे मुकद्दर में गम आया तो क्या हुआ, मेरे मुकद्दर में गम आया तो क्या हुआ, खुदा ने उसकी ख्वाहिश तो पूरी कर दी. क्या बात है, क्या बात है. ये क्या शायर है. बहुत 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 खूबसूरत. क्रेजी. इसके जवाब में कुछ बोलोगे आप. जहमतें फिर से गवारा करते हैं, कुछ लोग मोहब्बत दोबारा करते हैं. ओहो. इस दिल का तेरे बगैर क्या करूं, काट के कुछ तुम्हारा कुछ हमारा करते हैं. मेरा काम है उनकी तस्वीर देखना, इसी से आजकल हम गुजारा करते हैं. ओहो. ये रोज रोज के तंज अच्छे नहीं दोस्ता, तू अगर खुश नहीं तो किनारा करते हैं. कल रात चांद को देखा तो ये एहसास हुआ, कल रात चांद को देखा तो ये एहसास हुआ, तुम अकेले हो, तुम्हें मेरी जरूरत हो. ऐ खुदा उसको किसी और का ना होने देना, ऐ खुदा उसको किसी और का ना होने देना, वरना उम्र भर मुझे तुझसे शिकायत होगी. क्या बात. मालूम नहीं है ना क्या होगा, क्या मालूम. ये जो अनसर्टेनिटी है, लाइक लिटरली एक शख्स का आपका होना या ना होना, बहुत ही अनसर्टेनिटी है. तो जो वो शक होता है, वो शक इस फैक्ट पे कि भाई विल वी एवर मेक इट. मैंने एक बारी एक कोट पढ़ा था, मैं तो उसका हूँ वो किसका है यार, अगर ये सोचूं तो नींद नहीं आती. तो there is uncertainty. I sometimes you feel like that. अर्ज किया भाई, मोहब्बत सिखा कर जुदा हो गया, मोहब्बत सिखा कर जुदा हो गया, ना सोचा ना समझा खफा हो गया. आहा. दुनिया में किसको हम अपना कहे, जो अपना था वही बेवफा हो गया. क्या बात. ये मैंने फिर से बोला, ये मैंने ऑलरेडी बोला था ये शार. ठीक है. जी जी जी. आगे आते आपको खत्म, आपके पास इतने शार थे, हो गया. नहीं तो बोलो फिर भाई कुछ करो. तो चले कि मैं आपको सुनाता हूँ कि तू इश्क का ही कर्जदार लगता है, मुझे ये कर्ज शानदार लगता है, तेरी इन आँखों में ये खून कैसा, नज़र यूं है कि इंतज़ार लगता है, जिसे तुम ये इश्क कहते हो मियाँ, ये जिस्मों का ही कारोबार लगता है, तू इश्क का ही कर्जदार लगता है. वाह भाई, बहुत बहुत बढ़िया. देखे, मोहब्बत जैसा मैंने आपको कहा कि इट्स अ ब्यूटीफुल गिफ्ट फ्रॉम लॉर्ड एंड देयर आर ओनली फ्यू पीपल हु रीच दिस पर्टिकुलर लेवल. तफजुल आप कुछ सुना रहे थे. ये अनु अनवर मसूद साहब की गज़ल है. हाँ. तो अर्ज़ किया है, क्यों किसी और को दुख दर्द सुनाऊं अपने. हाँ. क्यों किसी और को दुख दर्द सुनाऊं अपने, अपनी आँखों से भी मैं जख्म छुपाऊं अपने. आए. मैं तो कायम हूँ तेरे गम की बदौलत वरना, मैं तो कायम हूँ तेरे गम की बदौलत वरना, यूं बिखर जाऊं कि खुद हाथ ना आऊं. क्या बात है, क्या बात. मैं सुनाता हूँ आपको कि शाम का वक्त, डल का किनारा, मैं और तुम, चाय की प्याली, एक शिकारा, मैं और तुम, लैला मजनू, हीर रांझा इनसे पहले, इश्क के पन्नू का है हवाला, मैं और तुम, एक ही है हम दो से दोनों एक बने, एक ही ख्वाब को हमने सवारा, मैं और तुम. बहुत बढ़िया. हमसे पूछो हमसे उनका रिश्ता दोस्त, एक दूजे का है सहारा, मैं और तुम, निशात की वादी, कश्मीर का मंजर प्यारा क्या है, ओस की बूंदों ने है पुकारा, मैं और तुम। ये बहता जहलम सर्द हवाएं पूछती है, फिर कब मिलेंगे बोलो दोबारा, मैं और तुम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अर्ज किया है, काश तू चांद और मैं सितारा होता, काश तू चांद और मैं सितारा होता, आसमान में आशियाँ हमारा होता। लोग तुम्हें दूर से देखते, लोग तुम्हें दूर से देखते, पास से देखने का हक सिर्फ हमारा होता। क्या बात है। देखिए जॉन साहब का एक शेर है जो जो मेरे दिल के बहुत करीब है। जॉन साहब फरमाते हैं, अब क्या तकल्लुफ़ करे ये कहने में, अब क्या तकल्लुफ़ करे ये कहने में, जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। जॉन साहब तो जॉन साहब लेजेंड है। मतलब जॉन साहब को समझने के लिए कलेजा चाहिए। बिल्कुल। और मुझे लगता है शायरी की दुनिया में जिसने जॉन को ना समझा वो बिल्कुल ना समझ है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। आपको कुछ आखिरत में कुछ कहना है? आई लाइक टू थैंक यू तफजुल दैट यू नो यू कॉल मी अप हियर। आपने मुझे बुलाया। I mean, I'm grateful to you. I'm grateful to my people. I'm grateful to my family. I'm grateful to everyone जिसने अभी तक प्यार किया, सपोर्ट किया। भाई आप legend in the making. I'm sure ये podcast बहुत लोगों तक जाएगा। हमने बहुत ज़बरदस्त बातें की। हमने बातें नहीं, हमने सिर्फ शेर व शायरी की, और वो ही मैं चाहता था क्योंकि कश्मीर में शेर व शायरी के ना अभी पॉडकास्ट बहुत कम हुए हैं। यूजुअली पाकिस्तान के ही लोग आज देख रहे हैं, हिंदुस्तान के थोड़े बहुत। कश्मीर से शुरू कर रहे हैं हम खेल, इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे हम। तो आई एम थैंकफुल आप यहाँ आए, बहुत मज़ा आया। इट रियली मीन्स अ लॉट। आई एम हम्बल्ड एंड ऑनर्ड टू हैव यू हियर। थैंक यू। इंशाल्लाह हम और आगे भी बहुत सारे पॉडकास्ट करते रहेंगे क्योंकि भाई आप तो वायरल होने वाले हो। ये अभी अभी मैं कह रहा हूँ, भाई वायरल है 100%। तुम लोग देखोगे ना, तुम लोग देखोगे। चलो खुदा हाफिज़ इरफान भाई, लव यू ब्रो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। लव यू ब्रो। एंड रेयरफाइड एंटरटेनमेंट तो है ही। खुदा हाफिज़। थैंक यू।